अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। आज मैं बनाऊंगी चिकन बिरयानी, जिसके लिए मैंने 3 गिलास चावल लिए थे, उसको मैंने भिगो लिया है। 1 चिकन है, 200 ग्राम दही है, 3 टमाटर हैं, 3 प्याज हैं, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, बिरयानी का पैकेट लिया हुआ है मैंने, उसमें आलू बुखारे रखे हैं, और गरम मसाले में बदियान का फूल है, बड़ी इलायची है, और ज़ीरा है, और दालचीनी है। तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया था। अब मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूँगी, और जो सारा गरम मसाला था वो डालूंगी। प्याज का हमारा कलर रेड हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं चिकन डालूंगी इसके अंदर। ये देखिए प्याज हमारी हो गई है, और इस तरीके से हमें रेड करनी है। अब ये इसके अंदर मैं अदरक लहसुन डाल दूंगी, और जो हमारा चिकन है वो डाल दूंगी। इसका हल्की सी मैं भुनाई करूँगी। ये देखें हमारा चिकन हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो ये मसाला है वो डाल दूँगी बिरयानी का, और सारे जो टमाटर हैं वो डाल दूँगी इसके अंदर, और जो ये दही है ये दही सारा डाल के इसे मिक्स करके इसे मैं फास्ट ही चूल्हे में रखूँगी, जिसके टमाटर भी अपना पानी छोड़ेगा और दही भी छोड़ेगा, जिससे ये अच्छे से हमारा जो चिकन है वो गल जाएगा। देख सकते हैं टमाटर ने और दही ने इसके अंदर कितना पानी अभी रखा हुआ है, और इसके अंदर अब ये फांस में भुनाई होगी तो चिकन भी इसका अच्छे से गल जाएगा। 1 गट्ठी मैंने पुदीना ले लिया था, और 5 मैंने हरी मिर्ची ली हुई है। ये देखें अभी भी इसके अंदर पानी है, तो अभी इसके अंदर मैं जो पुदीना और हरी मिर्ची हैं वो डाल दूंगी मैं। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, जिससे हमारी चिकन देखें गल गई है, थोड़ी सी और बाकी है। पुदीना डालने से पुदीने का जायका और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए आप लोग इसकी, देखिए अच्छे से चिकन बिरयानी का मसाला जो है इसकी भुनाई हो गई है, और इसके अंदर पानी नहीं है, ये आप देख सकते हैं। ये बन गया है हमारा मसाला। चावल के पानी के अंदर मैं तेज़पात डालूंगी इसके अंदर, और बिरयानी के उस मसाले के अंदर नमक था, तो इसके अंदर मैं चावल जितना ही नमक डालूंगी। चावलों के ऊपर डालने के लिए मैंने केवड़ा वाटर दिया हुआ है, दूध के अंदर मैंने कलर डाल दिया था येलो कलर का, और लेमन की मैंने स्लाइस कर लिए हैं। ये देखिए हमारा चावल का पानी बॉईल हो गया है। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी सारे, इसे अच्छे से चावल हमारे बॉईल हो जाएंगे। दही लिया है, नमक डाला है, और जीरा धनिया डाला है, और खीरे को कद्दूकस कर लिया है, प्याज सेक ली है। ये देखिए मज़ेदार रायता तैयार है हमारे। आप देख सकते हैं चावल हमारे बॉईल हो गए हैं, और ये देखें एकदम पतले और एकदम लंबे से हैं। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। चावल डाल के फिर सारा मसाला डाल के फिर इसके अंदर मैं चावल डालूंगी, फिर केवड़ा वाटर डाल के कलर डाल के फिर लेमन के स्लाइस इसके ऊपर सारे में डाल दूंगी, और 15 मिनट के लिए इसको दम में रखूंगी। ये देखिए हमारी मज़ेदार बिरयानी तैयार हो गई है। आप लोग देख सकते हैं ये कितने मज़े की बनी, और चावल भी खुले खुले बने हैं। ये देखें हमारी मज़ेदार चिकन बिरयानी तैयार है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़े की बनी है। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफिज़।